हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके रिस्पांस के बारे में, थोड़ा बहुत नेगेटिव टॉक्स और थोड़ा बहुत पॉजिटिव टॉक्स दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है रोहित, स्वागत करता हूँ आप सभी अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्टिव 125cc के बारे में, कैसी है परफॉर्मेंस, कैसी दे रही है, क्या माइलेज दे रही है मुझे, और चलाने में कैसी है, हाईवे पे एक्सपीरियंस कैसा, क्या मुझे इसमें अच्छा लगा क्या नहीं लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो में बने रहिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, और क्योंकि काफी टाइम हो गया है, इस डेढ़ महीने के समय में गाड़ी पे थोड़े बहुत माइनर से स्क्रैचेस भी आ गए हैं, जो कि घर के बाहर खड़ी होती है तो छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं बाहर खेल रहे होते हैं उन्होंने मार दिए हैं उस पर स्क्रैचेस। तो कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है। चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं अपने एक्टिवा 125 के बारे में। तो कहीं सब बात कर लेते हैं अपने एक्टिवा 125 के बारे में। तो होंडा ने इसके अंदर 124cc का इंजन दे रखा है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है, BS6 मॉडल के साथ में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी हाइट, वेट और लेंथ के बारे में। सो इसकी लेंथ है 1850 mm, और विड्थ की मैं अगर बात करूं तो इसकी विड्थ है 707 mm। 5.5 फुट की आपकी हाइट है, तो आप इजीली क्रूज कर सकते हैं इस पे आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो मेरी हाइट है 510, तो मैं आराम से बैठ के इसको ड्राइव कर सकता हूं पहाड़ों में या कहीं भी, आप लोग आराम से लेके जा सकते हैं इसको। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm का, जो कि मैं कहता हूँ काफी डिसेंट है, काफी इनफ है अगर आप ऑफरोडिंग लवर हैं। और अगर आप ऑफरोडिंग लवर हैं तो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने भी ऑफरोडिंग काफी की है अपनी पुरानी वाली एक्टिवा से, और इससे तो मैं कभी अभी नहीं गया हूं। तो बाकी मैं अपनी पुरानी वाली एक्टिवा से ऑफरोडिंग बहुत की है मैंने, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। बाकी इसका जो आगे वाला फ्रंट की, अगर हम लोग फ्रंट वाले व्हील की बात करें, तो इसमें 12 इंच का फ्रंट व्हील आता है, जो कि काफी अच्छा है अपने आप में, क्योंकि अगर आप ऑफरोडिंग करने जा रहे हैं तो इतना बड़ा टायर लेके जाएंगे आप, तो आपको खड्डों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अगर हम इसके रियर टायर की बात करें, तो रियर जो व्हील है इसका वो 10 इंच का है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं इसके कर्व वेट की, इसका वेट जो है अराउंड 111 किलो के आसपास है, तो काफी अच्छा वेट है गाड़ी को देखते हुए। अगर हम लोग बात करें गाइस फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है इसकी 5.3 लीटर है, जो कि पहले जब आती थी 5 लीटर आती थी, तो अभी इन्होंने शायद इंक्रीज कर दिया, 5.3 लीटर कर दिया है इसके अंदर। और इंजन के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया था, इंजन इसका 124cc का है। अगर हम लोग बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क इसमें है 10.3 Nm का, जो कि एट द रेट 5000 RPM पे। और इसके अंदर गाइस आप लोग देख सकते हैं PGM-FI टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज कर रखी है। PGM-FI स्टैंड फॉर प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आपको अब इसमें कार्बोरेटर नहीं मिलेगा इंजन, जो कि पहले आप में चोक मिलती थी, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें चोक भी अवेलेबल नहीं है, चोक को रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, जो कि होंडा ने दे रखा है इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और हम लोग कर लेते हैं इग्निशन को ऑन, देन आफ्टर इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में हम एक करके जानेंगे अब। सो गाइस यहाँ पर आपका साइड स्टैंड का इंडिकेटर दे रखा है, जो कि मैं दिखाता हूँ साइड स्टैंड लगा के। तो अगर आपका साइड स्टैंड लगा होगा तो आपका ये इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता रहेगा, और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप इसे साइड स्टैंड को ऊपर नहीं करते हैं। तो मैं अब इसको ऊपर कर लेता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे एक येलो लाइट आपको शो होगी, जो कि है आपके इंजन से रिलेटेड, जो कि अगर आपका इंजन ज्यादा हीट होगा या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपका ब्लिंक करता रहेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जो येलो कलर का एक यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये यहाँ पे अगर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर इंजन ज्यादा हीट करेगा तो ये आपका ब्लिंक करेगा, उसके बाद आपको इंजन को थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। देन आफ्टर यहाँ पे इन्होंने टाइम स्टैम्प दे रखा है हमें, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है अगर आप ट्रैवल करते हैं, मतलब पहाड़ों में या कहीं भी आप सिटी राइड करते हैं, तो आपको बार बार फोन या अपने वॉच में देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस हो रखा है टाइम, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं बस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है ओवरऑल हमारी ट्रिप की, कितनी हमारी स्कूटर चल गई है अब तक, कितनी हमने ड्राइव कर ली है। तो ये आपका सब फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन आपका हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा ट्रिप बताता है कि हम लोगों ने कितनी ट्रिप अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस पे। तो मैंने अभी इसको जीरो सेट कर दिया है, जस्ट अभी मैंने इसको जीरो सेट किया है। तो आप अगर आप मान के चलो आप कहीं जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कितने किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कितने किलोमीटर अभी डिस्टेंस अपनी कवर करके आया हूँ, तो आप यहाँ पे अपनी ट्रिप सेट कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को देख सकते हैं और उसके थ्रू अपना माइलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम।
तो अभी यहाँ पे डैशलेस डैश लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आपका रियल माइलेज क्लेम करता है अगर आप लोग जब आपका इंजन स्टार्ट रहेगा और चल रहे होंगे आप रोड पे। अभी मेरा इंजन आइडल स्टेट में है, अभी स्टार्ट नहीं है तो यही नहीं दिखाएगा यहाँ पे। जैसे मैं स्टार्ट करके चल दूंगा रोड पे तो ये ब्लिंक करने लगेगा और रियल माइलेज मुझे काउंट करके दिखाने लगेगा। यहाँ पे जो भी आएगी 50, 51 वो आपका यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अब, और यहाँ पे आपका जो ये ABG लिखा हुआ आ गया, ये आपका अगर रियल माइलेज कितना आपको माइलेज दे रही है ये, तो यहाँ पे आपका अभी मेरा डैश डैश अचारा लिखा हुआ जो कि मैं अभी चलाऊंगा तो मुझे दिखा देगा, लेकिन ये स्टैटिक रहेगा आपका, ये आपका ब्लिंक वो नहीं करेगा चलते टाइम, रियल टाइम काउंट नहीं होगा, ये आपका ब्लिंक नहीं करेगा आपका। जैसे मान लो आपका इंजन ओवरऑल एक एवरेज निकाल के दिखा देगा आपको कि आपका स्कूटर मतलब कि आपका स्कूटर 50 का दे रहा तो आपका यहाँ 50 स्टैटिक रहेगा, बिल्कुल मतलब डायनेमिक नहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अब, तो ये आपका रेंज दिखाएगा कि आपके इंजन में कितना पेट्रोल है, ये आपका रेंज दिखाएगा कि आपके स्कूटर में कितना पेट्रोल है और उस पेट्रोल में कितना ट्रेवल कर सकते हो, कितना और किलोमीटर कवर कर सकती है आपकी गाड़ी। तो अभी आपका हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में डिटेल्स हमने ले लिया है कम्प्लीट, और काफी बढ़िया फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है। तो बात कर लेते हैं इसके बॉडी के बारे में। सो होंडा ने यहाँ पर ये फाइबर यूज कर रखा है, और इसके अलावा पूरी गाड़ी में उन्होंने मेटल यूज कर रखा है हर जगह, ये देखिएगा आप, ये मेटल है पूरा लगा हुआ। सो काफी बढ़िया है जो कि इसके लुक को भी अच्छा करती है और इसको थोड़ा बल्कि हैवी बनाती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सब ये फाइबर यूज कर यहाँ पर भी इन्होंने ये मेटल यूज कर रखा है यहाँ पर भी ये भी, और ये यहाँ पे इन्होंने क्रोम में बैजिंग दे रखी है एक्टिवा की, जिसपे लिखा हुआ है एक्टिवा 125। मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये लोग इसको थोड़ा सा कलर में दे देते तो ये ज्यादा विजिबल होता, अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि पहले वाली मेरी एक्टिवा थी वहाँ पे ये जो एक्टिवा लिखा हुआ था वो व्हाइट कलर में था और 125 तो जो रेड कलर में था, तो काफी अच्छा खासा दूर से ब्लिंक होता था, दूर से मतलब लोगों को पता चलता था कि हाँ ये 125 है। तो यहाँ पे ये पूरा इन्होंने क्रोम के अंदर ही व्हाइट कर दिया तो दिखता नहीं है ये दूर से उतना। इन्होंने ये हम यहाँ पे ये जो साइलेंसर है इसके ऊपर ये मफलर दे रखा है, पहले ये प्लास्टिक का आता था, यहाँ पे इन्होंने ये भी मेटल में दे दिया है और काफी हैवी है ये, मतलब अगर आपकी गाड़ी गिरती है साइड में तो उसको स्क्रैचेस नहीं आने के चांसेस हैं आपके साइलेंसर पे। तो देखिए जैसे कि मेरी स्कूटी उस दिन गिर गई थी मेरे से, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस पड़ गए माइनर से, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अगर ये प्लास्टिक का होता तो ये टूट जाता, क्योंकि मेरे साथ ये पहले हो चुका है, मेरी जो स्कूटी थी पहले BS4 वाली उसमें प्लास्टिक का था, तो मैं बदलवाते थक गया था भाई, तब बहुत सारे बदलवाए थे मैंने, 100 रुपए का आता था और मैं यहाँ पे डलवाता रहता प्लास्टिक के। तो फाइनली यहाँ पे होंडा ने ये मेटल में दे दिया है, तो कुड़ोस टू होंडा। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे मेन जो हमारा सबसे बढ़िया फीचर हमें दिया है होंडा ने, जो कि यह फ्यूल लिड, जो कि इजीली यहाँ से ओपन हो जाती है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये मैंने चाबी इग्निशन ऑन किया और ऑलरेडी मेरा ऑन था, और ये मैंने फ्यूल का दबाया और ये फ्यूल हमारा लिड यहाँ से ओपन हो गया, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है और ये काफी कस्टमर्स के रिव्यू के बाद होंडा ने इसमें ये एड ऑन किया है। तो हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसको, बिना स्कूटी से उतरे हम लोग यहाँ पर पेट्रोल अपना फ्यूल करा सकते हैं, फिलअप करा सकते हैं। और उसके बाद में हमारा ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा जो होंडा ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, वो दिया है हमारा सीट खोलने का ऑप्शन, जो कि यहाँ से इजीली हमारा एक्सेसिबल है। मैं यहाँ से बटन दबाया सीट खोलने के लिए और सीट हमारी खुल गई है। ये कुछ सीट में मेरा सामान पड़ा हुआ है जो कि एक अच्छा खासा बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा, अराउंड 18 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, आराम से अपना एक बड़ा हेलमेट यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। और जो कि पहले BS4 मॉडल में यहाँ पे आपको आपके पेपर रखने के लिए एक स्पेस दिया जाता था, लेकिन वाले मॉडल में आपको नहीं दिया गया है, जो कि मैं मान के चलता हूँ एक मतलब अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं अपने पेपर फिर यहाँ पे रखता हूँ, और अगर कुछ सामान मेरा यहाँ पे नीचे रखा हुआ है भी और कुछ दिक्कत होती है या फिर पानी वानी नीचे बॉटल में से लीक हो जाता है तो ये मेरे पेपर्स जो है भीग सकते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन था, मैं यहाँ पे फिट कर देता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो बात बंद करते हैं इससे अब। सो बात कर लेते हैं इसके फुट स्पेस की, जो कि काफी अच्छा खासा डिसेंट है। यहाँ पे आप लोग आराम से कोई भी चीज अपनी कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा ये जो कैरियर है ये मैं हटवा के कोई भी इजीली मैं अपना ट्रैकिंग का सामान या फिर कोई भी आपका लगेज है यहाँ पे आप लोग इजीली पुट अप कर सकते हैं। अगर आपका ये कैरियर लगा हुआ है तो ये कैरियर के साथ में आप लोग इतना सामान अपना यहाँ पे नहीं रख सकते, तो मैं मानता हूँ कि ये कैरियर भी काफी हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी उसके बाद में हमें होंडा ने यहाँ पर ये हमारा दे रखा है ग्लव बॉक्स, जो कि हम इसमें अपने पेपर्स नहीं रख सकते क्योंकि पेपर्स रखने के लिए सेफ नहीं है। बाकी हम लोग छोटा मोटा सामान अपना हैंकी हो गया मतलब और कुछ अपने ईयरफोन्स हो गए ट्रैवलिंग करते टाइम पे हम लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, इवन हम अपना फोन भी यहाँ पे रख सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। तो
काफी अच्छी फैसिलिटी हमें यहाँ पे ये लगी मुझे। और उसके बाद में होंडा ने हमें एक हुक दिया है जो कि हम लोग अपना सामान मार्केट से ला रहे हैं कुछ भी, तो हम लोग यहाँ पे अपना हैंग कर सकते हैं अपने हुक के थ्रू, तो कि पहले वाले मेरे BS4 मॉडल में यहाँ पे नहीं था, वो सिर्फ ओनली यहाँ पर अवेलेबल था। तो होंडा ने यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है जो कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर है कि हमें दो दो जगह होंडा ने दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है और एक हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ये दोनों प्लास्टिक के हैं, मेरी पुराने वाली एक्टिवा में यहाँ पर ये मेटल के बने हुए थे, तो ये टूट भी सकते हैं अगर एक बार टूट गए तो हमें चेंज कराने पड़ेंगे। और मेरा मेटल वाला चल गया था पूरा, वो टूटा नहीं था कभी भी उससे, तो बढ़िया फीचर है काफी। और जो पहले हमारा जो इग्निशन आता था यहाँ पे, इग्निशन में हमें ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलते थे, तो अभी होंडा ने हमें ये दे दिए ऑप्शन इसके अंदर, फ्यूल लिट खोलने का और सीट खोलने का यहाँ से ऑप्शन दे दिया है। क्योंकि आपका मान के चलो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, कि ये लास्ट पॉइंट हमारा इग्निशन ऑफ हो गया, मैं यहाँ से चाबी को अपनी रिमूव कर सकता हूँ। अब मैंने चाबी को अपनी रिमूव कर दिया यहाँ से, देन आफ्टर मैं एक बार इसको पुश करूंगा फॉरवर्ड, तो एक बार पुश किया मैंने फॉरवर्ड, देन आफ्टर ही यहाँ पर ही इसी कंडीशन पे आप लोग फ्यूल को और सीट को अपने ओपन कर सकते हैं। अगर मैंने बैक किया तो आप ओपन नहीं कर सकते, मैं देखो प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ से एक बार पुश फॉरवर्ड करूंगा तो उसके बाद मैं अपना सीट को भी खोल पाऊंगा, देखिए दब गया इजीली और फ्यूल की लिड भी खुल गई है, आवाज भी आई होगी आपको टक से। देन आफ्टर मैं यहाँ से, अभी मेरा इग्निशन ऑन नहीं हुआ है क्योंकि देखो ये मेरा मीटर में अभी करंट नहीं आ रहा है, अभी मैं एक बार पुश फॉरवर्ड फिर से एक बार करूंगा तो इग्निशन ऑन होगा मेरा। अभी मेरा इग्निशन ऑन हो गया है और मेरा मीटर में करंट आ गया है, देन अपने यहाँ पे मैं पुश स्टार्ट कर सकता हूँ अब। सो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके स्टार्ट वाले बटन की, जो कि होंडा ने BS4 में यहाँ पे दे रखा था और BS6 में उन्होंने एक यहाँ पर ही बटन दे दिया, जो कि पहले के मुकाबले काफी बेटर फैसिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बटन का स्पेस था जो कि इन्होंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रिमूव कर दिया है। और आप लोग यहाँ से ही अब इसको ऑफ भी कर सकते हैं अपने इंजन को, और यहीं से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया फीचर लगा मुझे होंडा का कि आप एक ही बटन से इंजन को ऑफ कर सकते हो और इंजन को स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये आपको पहले रियर ब्रेक को या फिर फ्रंट ब्रेक को पहले थोड़ा सा दबाना होगा, देन आफ्टर आप लोग पुश करेंगे इस बटन को और ये हमारी एक्टिवा स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको एक बार साइलेंसर की आवाज भी सुना देता हूँ साथ ही साथ। तो ये गई साइलेंसर की नोट थी। सो गाइस एक पॉइंट के बारे में हम लोग और बात करते हैं, जो इसका ये कैरियर है पीछे वाला, ये इन्होंने होंडा अपनी एक्टिवा का 6G वाला लगा दिया है पहले बार। जो मेरी पुरानी वाली एक्टिवा BS4 थी उसमें काफी बढ़िया वाला कैरियर इन्होंने दिया था बैक में, जो कि काफी स्पोर्टी लुक में आता था, जो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन ये वाला कैरियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और उसके बाद मुझे ये अच्छी नहीं लग रही पीछे से बिल्कुल भी। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ को नहीं भी अच्छी लगी होगी। सो मैं अगर बात करूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, जो कि मुझे काफी पर्सनली नहीं पसंद आए हैं, और मैं उसके बारे में आपको बता दूँ करके कि मुझे इसमें क्या क्या पसंद नहीं आया है। जो कि पहला पॉइंट है उसकी बॉडी, जो कि बॉडी का जो कर्व वेट है, पूरी गाड़ी का कर्व वेट है वो है 111 kg, जो कि अपने आप में एक अच्छा वेट है। लेकिन जो मेटल बॉडी इन्होंने यूज की है इसके अंदर और जो पहले वाली एक्टिवा BS4 मॉडल थी उससे काफी हल्की है, मतलब पर्सनली फील कर रहा हूँ उस चीज को, कि मैं जब भी इसको स्टैंड से उतारता हूँ, डबल स्टैंड से नीचे उतारता हूँ, तो ये एकदम उतरते ही आगे भाग जाती है, मतलब मुझे ब्रेक दबाने पड़ते हैं। और जो मेरी पुरानी वाली BS4 मॉडल थी वो इतनी भारी थी कि मैं उसको स्टैंड से उतारता था, वो भाई वो अपने स्टैंड से उतारते ही नीचे बिल्कुल जम जाती थी रोड पे, मतलब आगे नहीं भागती थी बिल्कुल। और ये तो ऐसी है कि मतलब उसको उतारो तो आगे भाग जाती है बिल्कुल, जो उसका स्टैंड है साइड स्टैंड, अगर मैं उसको ऊपर करता हूँ जब चलने के लिए, जैसे मैं उसको ऊपर करता हूँ तो एक आवाज ही आती है टक से, मतलब जैसे कितना लो मटेरियल इन्होंने यूज कर रखा होगा। और काफी हल्की है यार ये 111 kg, इन्होंने मतलब कह रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 111 kg होगी भी नहीं, इतनी हल्की लगती चलाने में रोड पे। मेरा कहना मतलब ये है कि जो BS4 मॉडल था उससे काफी हल्की है ये पहले से, तो थोड़ा लाइट वेट होने की वजह से मुझे लगता है कि इसका माइलेज जो है अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले वाली जो मेरी BS4 थी उसमें माइलेज क्लेम होता था मुझे 40 से 45 का, और इसमें मुझे माइलेज मिल रहा है 50 का पूरा इस समय। तो मतलब ये है कि लाइट वेट व्हीकल होगा आपका तो आपको माइलेज अच्छा ही मिलेगा। जब मैं ये स्टैंड है मैं नीचे से इसको जैसे ही ऊपर करता हूँ ना तो एक आवाज ही आती है टक से, जैसे पता नहीं कितना लो मटेरियल उन्होंने यूज किया हुआ है, कितना लाइट स्टैंड है ये। और ये यहाँ पे जो प्लेट है इसकी ये हिलती रहती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर आप लोग आवाज सुन पा रहे होंगे तो टक 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 आवाज आ रही है इसको हिलाने पे, जो काफी बेकार पॉइंट है मेरे लिए। ये देखिए टक 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 टक, आप लोग इस चीज को यहां से देख सकते हैं, ये जो आई डोंट थिंक कि मुझको नहीं पता कि ये मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब यहाँ से ये ढीला ही होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना, देखो धोखे तो पूरा नीचे निकल रहा है इसमें, पता नहीं यहाँ पे नट है या नहीं है या फिर ये ऐसा ही होता है, आई डोंट नो, बट ये कुछ ऐसा ही दे रखा है इन्होंने। अब मुझे एजेंसी में जाके पता करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों मेरा निकल रहा है, क्यों आवाज़ कर रहा है इतना, तो चेक करेंगे इसको।
तो मेरा आज का रिव्यू यही था। इसको मैंने 1.5 महीने चला लिया है पूरा और मेरी 1000 किलोमीटर ट्रिप कंप्लीट हो गई है। मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर चल गई है भाई। हाईवे पे चलने में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब आप लोग अगर ओवरटेक कर रहे हो किसी गाड़ी से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो। मतलब पावर की कमी आपको होगी नहीं, पावर पूरी फील होगी आपको। मतलब इसका जो टॉर्क है ना काफी बढ़िया है, 6G से तो काफी बढ़िया है। अगर आप लोग 6G को ओवरटेक करेंगे तो आपको लगेगा यार थोड़ी सी पावर होनी चाहिए थी गाड़ी में, लेकिन आपको 125 चलाते समय आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। और यही बात है कि एक्सेस 125 और आपकी टीवीएस की एंटोर 125, ये सारी गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं परफॉर्मेंस के मामले में अपने 125 के सेगमेंट में। बाकी 180cc में जो भी स्कूटर आते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि वो स्कूटर जो है पहाड़ पे भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, जो कि ये 125cc इंजन जो है आपको पहाड़ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग पहाड़ पे 10 लोग मिल रहे हैं आपको स्कूटर वाले, तो उसमें आपको 10 में से 8 125cc वाले होंगे, बाकी 2 जो होंगे 6G 4G वाले होंगे और जुपिटर वगैरह वाले होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी में कोई दिक्कत है जुपिटर में या एक्टिवा 6G में, बाकी जो 125 है भाई एक अलग ही लेवल का प्रोडक्ट है भाई। मैं तो जब भी रिकमेंड करता हूँ किसी को 125cc रिकमेंड करता हूँ अगर आप लोग ट्रैवलिंग के लवर हैं, क्योंकि आप 125cc का इतनी पावर की कमी नहीं होगी, आप लोग इतने लॉन्ग से लॉन्ग ड्राइव भी आप लोग कर सकते हैं अपने स्कूटर पे, और लगेज भी आप लोग कितना भी ले सकते हैं इसके साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और भाई वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, माइलेज भी मुझे को बहुत बढ़िया दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी सर्विस की डन हो गई है, बाकी दूसरी सर्विस की हम लोग कराएंगे 4000-4500 किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाएगी। 1.5 महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा उस चीज़ का। और इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखेंगे, और इससे हम लोग ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं अपनी अभी, जो कि अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है गंगोत्री के, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इससे गंगोत्री भी हो कराऊँ इस बार, कि अभी 15 अक्टूबर तक तो स्लॉट्स मिल नहीं रहे हैं। अगर स्लॉट्स जैसे ही मिलते हैं तो मैं स्लॉट्स अपना बुक करूंगा, देन आफ्टर इसके साथ हम लोग जाएंगे गंगोत्री। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर देना। मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।